बात है वालिश। माँ देख, करण वो हरामजादा है, वो मुझे जान से मार डालेगा। तुम लोग जाओ, उसे पकड़ो, जाओ। मत करो वालिश साहब, हम ले। ये जगह देखकर कुछ याद आया वाली? ये लोहे की सलाखें, ये हाथ घड़ी और ये पट्टा, कुछ याद आया? याद आ गया ना? याद आया वाली? मैं एक गरीब आदमी और हम गरीब लोग कोई भी कर्ज अपने ऊपर बाकी नहीं रखते, भले चुकाने में थोड़ी देर हो जाए मगर चुकाते जरूर है। और आज मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा। पानी हाथ करी, पानी हाथ करी, पानी हाथ। हम काली बाबू बोल रहा हूं, कुछ पता चला हमरे मुन्ना का? तुम्हारा मुन्ना इस वक्त टोगरी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। कौन? वही जिसकी मुट्ठी खुलाने का बहुत शौक था तुम्हें। तुमने मेरी मुट्ठी तो खुलवा दी काली, मगर इस मुट्ठी में अब तुम्हारे मुन्ना की जान आ गई है। ए, सुन हरामजादा, सोच समझ कर गाली दे काली, क्योंकि जितनी ज्यादा गाली गुफ्तार से तू बात करेगा तकलीफ से मरेगा तेरा भाई। सुन अपने भाई की चीखे, साले जी हमें भी ना हो क्या रहा है? साले जी वो खा रहा है, वो हमारे मुन्ना को कुत्ते के साथ पीटा है। गाली करो। घाव पर घाव देने का मजा ही कुछ और होता है ना? तेरे इस घाव को नासूर बना दूंगा। अरे ये क्या कर दिया तूने? है? अरे वाली को कुछ हो गया तो काली तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। महादेव अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं महादेव? एक काम कर, काली यहाँ आ जाए उससे पहले भाग यहाँ से। मैं जाऊँ? हाँ वो आ गया तो मैं संभालूंगा, लेकिन तू यहाँ से भाग। संभालोगे महादेव? मुन्ना हम तो का मानने नहीं देंगे मुन्ना, हम तो का मानने नहीं देंगे मुन्ना। हकारी करो का आए तुम लोग अंदर, ऑपरेशन चल रहा है। क्या है ये सब? डॉक्टर हमारे मुन्ना को देख, गोली लग गया इसको। डॉक्टर देख देख, अगर हमारे मुन्ना का कुछ हो गया तो पूरे अस्पताल का लाश गिरा देगा हम। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या? अभी भी तो साथ चल रहा था हमारे मुन्ना का। तू ठीक तरह से देख डॉक्टर, तू ठीक तरह से देख हमारे मुन्ना को। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अपना जिंदगी बचाना चाहता है
दोस्त, उसका खानदान वाला, एक एक आदमी जो उसका साथ दिया, उन सब का खून हमको चाहिए। जा! कहाँ है करण? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो का सब मालूम है हरामजादा। देख, हमरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमरा दुश्मनी उस कुत्ता से है जिसकी वजह से हमारे मुन्ना का जान गया। बोल कहाँ है वो, बोल कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम। मेरे लाल, अब इसे बचाने मेजर लाठी आ गया। मेजर हैरान हो रहे होगी, कहाँ गया कहाँ गया? ये कौन है? ये मेरा जुड़वा भाई है। इसको साले को बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था, जब देखो नौटंकी करता रहता। 1 2 का 4, 4 2 का 1। My name is Major, my name is Major, दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है Major। नहीं, इधर गोली चली नहीं, अभी थप्पड़ चलेगा। पागल हो जाए ना तो उसे जान से मार डालना ही अच्छा होता है। Thank you.
तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है जीजा। अचानक ऐसा कहा हो गया जो तुम बोरिया बिस्तरा बांध कर कहाँ जा रहे हो? अरे अब बोरे को बचाई क्या बड़े साले जी, बाली और इंस्पेक्टर महादेव के बाद बस हम दोनों ही बचे हैं और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। खबरदार जो हमारे सामने पुस्तली का बात किया जनाना कहीं का। नहीं नहीं अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला वरना आपके साथ साथ मैं भी अटक जाऊंगा। अटका बुरा जो काम करता है वो मंजिल से भटकता है। कमीना लाख बांधे बोरियां मगर एक दिन अटकता है। तुम अंदर कैसे आया? दरवाजे से आया और बाहर खड़े तुम्हारे चौकीदार ने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो समझ गया कि मैं तुम्हें एक बहुत ही समझदारी की बात समझाने आया हूँ। जो तुम समझ गए तो बड़े समझदार कहलाओगे। अब आए दोनों ऊंट पहाड़ के नीचे। खुदा पहाड़ निकला चूहा। देख काली, मैं तेरी मोटी अकल में बहुत छोटी सी बात भरने आया हूँ। काय को पंगा ले रहा है यार? ये जो तूने करण की बहन के साथ इस तरह की घटिया हरकत करवाई इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दे वरना तेरा अंजाम जो है। अंजाम का चिंता तू कर और ये मत भूल, तू अगर मेजर है तो हम जुर्म की दुनिया का कर्नल हूँ। कौन मरेगा कौन जिएगा ये फैसला तू नहीं हम करेगा। काली मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा लेकिन करण को निर्दोष साबित करके रहूंगा इसलिए कि सच्चाई की जंग के खातिर इस मेजर आईएम लाठी ने अपने बरसों पुराने कमिश्नर दोस्त की दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। बड़े साले जी मुझे तो इसकी बातों में बड़ा दम लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने कमिश्नर दोस्त को भी यकीन दिला दे कि मुजरिम करण नहीं हम लोग हैं। वो तो हम है जोकर और कमिश्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब तो एक ही सबूत बचा है वो इनके हाथ नहीं लगेगा। पहले तो ये बस कहाँ जाएगी? नर्क में। ड्राइवर गाड़ी रुको ड्राइवर। अब तो ये गाड़ी वहीं रुकेगी जहाँ इसे रुकना चाहिए। माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया। माफ कर दो तुझे माफ कर दो। चला कमिश्नर साहब यह है मेरी बेगुनाही का सबूत। मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए सर। करण निर्दोष है सर। उसे काली ने फंसाया था मेरे और महादेव के जरिए। हरामखोर बदनाम कर दिया तूने आज पुलिस का नाम। बेच दिया इस वर्दी को अपने स्वार्थ के लिए। पुलिस वाले भाई इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे। कल सुबह से अदालत में अपने दिए गए बयान का एक एक लफ्ज दोहराना है। करण मुझे माफ कर दो बेटे। आई एम प्राउड ऑफ यू लेकिन मुझे अफसोस है कि जब तक अदालत तुम्हें बाइज्जत बरी नहीं कर देती तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। ये लीजिए कमिश्नर साहब लगा दीजिए हथकड़ी। मुझे और शर्मिंदा मत करो करण। पहले ये कानून तुम पर बहुत ज्यादा कर चुका है अब इन हाथों में हथकड़ी लगाकर मैं तुम्हें और जलील करना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर यस सर इन्हें ले जाओ प्लीज।
करण। कमन बॉयज लाठी। मुझे माफ नहीं करेगा? मैं जानता हूं यार, मैंने तेरा भी दिल बहुत दुखाया है, लेकिन दोस्ती में कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्लीज लाठी, प्लीज। कल सुबह तेरा स्टूडेंट आजाद होगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, उसकी गारंटी। काली, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कर दिया बड़े साले जी? बहुत हो गया, बहुत हो गया साला। कानून का हाथ काली का गर्दन तक पहुंच गया। एक को भी नहीं छोड़ेगा हम, किसी को भी नहीं छोड़ेगा हम। कमिश्नर साहब का हाल है? कोर्ट में जा रहे हो, अभी ये छोटा छोटा मुजरिम को लेके? असली बड़ा मुजरिम तो हम है, हमको कोर्ट नहीं ले जाइएगा क्या, ताकि तुम्हारा कोर्ट हमको फांसी का सजा दे सके? फिक्र ना कर काली, तेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश तो आज सिर्फ हमारा पूरा होगा। आराम चाहता तो का समझाता, हमरे मुन्ना को हमसे छीन के आराम से कोर्ट पहुंच जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। अरे तिवारी, मौत से ज्यादा तेज आज तक कोई भाग सका है जो तू भागने जा रहा था? अटका ना। काली बाबू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। जिंदगी भर हमरा टुकड़ा पर पलता रहा, और आज हमको ही काटने को तैयार हो गया। अरे कुत्ता, जिंदगी किसका ज्यादा कीमती है, तेरा कि हमरा? बड़े साले जी, बड़े साले जी, ये ज्यादा बातचीत करने का वक्त नहीं है, ये लो। हमरे खिलाफ गवाही देगा हिजरा? लाठी, मेजर आई एम लाठी की लाठी, ना टूटेगी ना कटेगी, सिर्फ पड़ेगी। ना 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 ना। काली, बहुत साल बाद मैंने आज हाथों में हथियार उठाया है, इसलिए कि अब जंग शुरू हो गई है। 20 साल बाद मेजर लाठी ग्राउंड में उतरा है, 20 साल पहले
5 सितंबर 1971 को होता था और दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। लेकिन तुम लोग तो पहले से छक्के हो, तुम्हारा क्या छूटेगा मुझे नहीं मालूम। अबे ओ जोकर वाह, किसका छक्का छूटेगा ये हमको अच्छी तरह मालूम है। जंग का बहुत शौक है तुमको, तो ये देखो फौज हमारी, देखो ये है फौज तुम्हार, हमार फौज नहीं देखा तुम, ये देखो। साबित हो गई। लीव इट, आई से लीव इट, टेक इट अवे।